देखिए ये 15th क्वेश्चन है, आरडी शर्मा का ये 16th क्वेश्चन है। लिखा है 1² + 3² + 5² up to 2n-1² = n 2n-1 2n + 1/3 प्रूफ करना है बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूफ करने की बात करते तो हम कोई ना कोई सीरीज ढूंढते और सीरीज की मदद से इसको प्रूफ करते। क्या तरीका होता है? तरीका वही घिसा पिटा, सबसे बार बार वही यूज कर रहे हैं। स्टेप वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन, वन के लिए इसकी एलएचएस की वैल्यू क्या आएगी? 1² बोले तो 1, और आरएचएस की वैल्यू क्या आएगी? जरा एन को 1 लिखो यहाँ, तो 1 × 2 − 1 × 2 + 1/3। तो 1 × 1 × 3 / 3 / 3 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है। लिखना पड़ेगा, बार बार कहते हैं डायरेक्ट नहीं करोगे। स्टेप टू में क्या करेंगे कि लेट, अरे लिखेंगे नहीं, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको सही मानते हैं, है ना। तो n को k लिख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? 1² + 3² लास्ट में 2k - 1² इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? k × 2k − 1 × 2k + 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये आएगा। स्टेप 3 में क्या करते हैं कि हम n को k + 1 लिखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू k + 1। देखिए बार बार सवाल लगा कि बोर हो गए होंगे आप, अब बोर होने के लिए रिफ्रेशमेंट तो कुछ है नहीं, ठीक है, इसलिए अपने आप ही हैप्पी हो। क्वेश्चन दो चार लगा के बंद कर दो, फिर नियम ये है कि क्वेश्चन अपने आप लगाइए, कहीं दिक्कत हो तब आप इसको देखिए। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे और n को k + 1 लिखो, क्या आएगा ये? 1² + 3² up to, देखो जब n को k + 1 लिखेंगे तो एक्चुअली ये क्या आएगा? 2, n को लिखेंगे k + 1, तो ज़रा लिख के देख लो, 2 n को लिखेंगे k + 1 और -1, तो 2k + 1 आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा? 2k + 1² और इधर से 2 कम करोगे तो आएगा 2k − 1² और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, तो इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर दो, यूजिंग इक्वेशन टू का इस्तेमाल हम करते हैं। देखो ध्यान से, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे आप k 2k − 1 (2k + 1/3) + 2k + 1² एक्चुअली में आंसर क्या आना चाहिए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर मैं n को k + 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर आएगा k + 1 आना चाहिए, यहाँ पर 2k + 1 आ जाएगा और यहाँ 2k + 3 आ जाएगा, ये नहीं ऊपर होना चाहिए। k + 1, 2k + 1, 2k + 3 ये ढूंढ के आप लाइए। देखो ध्यान से, यहाँ 3 LCM ले लो, अगले स्टेप में मैं डाइड कर रहा हूँ। जब 3 LCM लोगे तो ये लाइन पूरी खिंच जाएगी, ऐसे 3 हो जाएगा LCM और यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। समझ में आई बात? ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है? ऊपर से 2k + 1 कॉमन है, हमको 2k + 1 लाना भी है। आ गया एक स्टेप तो आ गया, ठीक है। तो आप कहेंगे और डाइड कर दें, ऐसा नहीं भाई, बचेगा क्या? k बचेगा, 2k - 1 बचेगा और +3 बचेगा और 1 2k + 1 बचेगा, है ना, होल अपान 3 बचेगा, तो आएगा 2k + 1। अब देखो ब्रैकेट खोल दो इसको, तो आएगा 2k² + -k + 6k + 3 / 3, तो आएगा 2k + 1, यहाँ आएगा 2k² और प्लस का 6k और माइनस का k कितना आएगा? प्लस का 5k + 3 / 3। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टर करने आते हैं। अब आप कहेंगे बार बार 10th क्लास में आप घुस जाते हो भैया, 11th की बात करो। अब देखो भैया, मैथ में तो 2 × 2 = 4 भी आएगा, जो क्लास 2 में पढ़ा होगा, तो वहाँ तो करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? 3 × 2 = 6, इसके ऐसे टुकड़े करो जिनका जोड़ करने पर 5 आए, 3 × 2 = 5, तो क्या आएगा? 2k + 1, इसके फैक्टर करो, तो क्या लिखेंगे इसको? 2k² + 2k
प्लस 3k प्लस 3 होल अपान 3, 2k प्लस 1, यहाँ से 2k कामन, यहाँ k प्लस 1 बचेगा, यहाँ से 3 कामन, यहाँ से k प्लस 1 बचेगा, होल अपान 3, ये सब आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेज में। यहाँ से k प्लस 1 कामन है, यहाँ बचेगा 2k प्लस 3 अपान 3 इज इक्वल टू, यही आर एच एस आएगा। अच्छा है जो आएगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो वही आएगा, ऐसा नहीं है, एक बार चेक कर लो जरा। देखो k प्लस 1 आना है, आया, 2k प्लस 1 आना है, आया, 2k प्लस 3 आना है, आया, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k प्लस 1, सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, देखो ये मैथमेटिक्स है, इसमें हंसी नहीं आती है, अब हंसी मजाक या तो करते रहेंगे तो मैथ में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुस्कुराते रहिए, मान लीजिए हंसी मजाक हो ही रही है। ठीक